आज का टॉपिक है आइसोटेसी। आइसोटेसी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, बैलेंस में रहना, उसी को हम कहते हैं आइसोटेसी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा दिया था सी.ई. डटन ने 1989 में। ठीक है, उस साल इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है, चलो देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, आज आप सीखने जा रहे हैं आइसोटेसी के बारे में। ठीक, अ ग्रेविटेशनल बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन द एलिवेटेड मास दैट इज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन ऑफ अर्थ क्रस्ट एज प्रपोज बाय सी.ई. डटन इन 1989। इसका मतलब ये है कि एक ग्रेविटेशनल बैलेंस जो है एग्जिस्ट करता है दो चीज़ों के बीच में। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक, पहली जो है एलिवेटेड मास। एलिवेटेड मास मतलब जो उठा हुआ मास है, मास मतलब चमड़ी वाला मास नहीं, वजन, उठा हुआ मास जो नेचर में, दैट इज कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स होते हैं जो हमारे, और डिप्रेस्ड बेसिन, और जो डिप्रेस्ड मास है यानी कि ओशन बेसिन, उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल बैलेंस एग्जिस्ट करता है, ऐसा हमें बताया था सी.ई. डटन ने 1989 में। ठीक है, इट इज बिलीव दैट लिथोस्फेयर फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ पार्शियली मॉल्टन सबस्ट्रेटम दैट इज एस्टोनोस्फेयर एज लॉग्स फ्लोट ऑन वाटर। इसका मतलब है लिथोस्फेयर जो हमारी लेयर है वो फ्लोट करती है एक पार्शियली मॉल्टन सबस्ट्रेटम के ऊपर। सबस्ट्रेटम मतलब, स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर, और सब तो सबस्ट्रेटम का मतलब सब लेयर। तो इस पूरे का मतलब हो गया कि लिथोस्फेयर जो है हमारी वो फ्लोट करती है एक पार्शियली मॉल्टन, यानी कि पार्शियली मॉल्टन मतलब हल्की फुल्की, हल्का फुल्का लिक्विड स्टेट में होगा वो, पिघला हुआ एक पार्शियली मॉल्टन लेयर के ऊपर, जिसको हम एस्टेनोस्फेयर कहते हैं। जैसे कि पानी के ऊपर लॉग्स फ्लोट करते हैं, लॉग्स यानी कि लकड़ी, जो बड़ी बड़ी लकड़ी होती है उनको लॉग्स कहते हैं। ठीक है, लॉग्स, जैसे कि लॉग्स फ्लोट करते हैं पानी पे, उसी प्रकार, उसी तरह से लिथोस्फेयर के ऊपर, लिथोस्फेयर जो है वो हमारा फ्लोट करता है एक पार्शियली मॉल्टन लेयर के ऊपर जिसका नाम है एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, माउंटेन्स स्टैंड हाई बिकॉज दे आर कंपोज ऑफ लो डेंसिटी रॉक्स। माउंटेन्स जो होते हैं वो हाई होते हैं, ऊंचे होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, क्योंकि वो जो है लो डेंसिटी रॉक्स के बने हुए होते हैं। जो रॉक्स जो होते हैं उनमें घनापन कम होता है, डेंसिटी को हम घनत्व कहते हैं, घनापन कहते हैं। ठीक है, उनका जो घनापन होता है कम होता है, लो डेंसिटी रॉक्स हैं इसलिए माउंटेन्स हाई होते हैं। और उसी तरफ दूसरी, और दूसरी तरफ ओशन बेसिन जो हैं वो लो होते हैं, क्योंकि वो जो है हाई डेंसिटी रॉक से बने होते हैं। उसका भी इसका पहले बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो दिस ग्रेविटेशनल बैलेंस ऑफ फ्लोटिंग लिथोस्फेयर इज कॉल्ड आइसोटेसी। इसी ग्रेविटेशनल बैलेंस को हमने नाम दिया है लिथोस्फेयर के, लिथोस्फेयर के जो ग्रेविटेशनल बैलेंस है इसी को हमने नाम दिया है आइसोटेसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें दो तीन चीज़ें पढ़नी और पढ़नी है। देखो, पहला है कंपनसेशन। कंपनसेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, व्हेन मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन बाय इरोजन। देखो, एक माउंटेन है, उसका इरोजन हुआ। ठीक है, फिर वहाँ से जो पार्टिकल्स थे, वो जो पार्टिकल्स थे वो सेडिमेंट्स, बेसिकली सेडिमेंट्स ही कहेंगे उसके बाद, क्योंकि उन्हें तोड़ दिया गया है। जो जो पार्टिकल है इरोजन के कारण जो पार्टिकल आए वो जो है, हाँ, तो फिर पहले इरोजन हुआ माउंटेन का, तो उससे क्या हुआ, माउंटेन जो है ऊपर उठता है। ठीक है, माउंटेन राइजेस अपवर्ड। ठीक, क्योंकि उसका वेट हल्का हो गया तो वो ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, और फिर जो सेडिमेंट्स थे वो नीचे आए। ठीक है, नीचे जमा हुए, एक्यूमुलेट हुए बेसिन पे, और उसका वेट बढ़ गया तो वो क्या होगा, लोअर डाउन होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, जहाँ वेट हल्का हुआ वो ऊपर की तरफ, माउंटेन के ऊपर से वेट हल्का हुआ तो वो ऊपर की तरफ उठेगा, और ये पूरा वेट जब जाके, ये जो पूरा सेडिमेंट्स थे ये नीचे जाएंगे, नीचे जाने से नीचे पे ये वेट बढ़ा देंगे, और वेट बढ़ाएंगे तो वो नीचे की तरफ दबेगा। इसी प्रोसेस को हम कंपनसेशन कहते हैं। ठीक है, अब आइसोपियस्टिक लेवल पढ़ते हैं। आइसोपियस्टिक लेवल क्या होता है? आइसोपियस्टिक लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे एलिवेटेड मास का जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर अप्लाई करता है एलिवेटेड मास, वो इक्वल होता है प्रेशर के जो जो डिप्रेस मास अप्लाई करता है। देखो, एलिवेटेड मास ने भी प्रेशर अप्लाई किया और डिप्रेस मास ने भी प्रेशर अप्लाई किया, दोनों ने एक दूसरे पर प्रेशर अप्लाई किया। जिस जगह पे वो प्रेशर इक्वल होगा उसी प्रोसेस को हम, उसी जगह को हम बोलते हैं आइसोपियस्टिक लेवल, उसी लेवल को हम कहते हैं आइसोपियस्टिक लेवल। लास्ट डेफिनेशन है जोन ऑफ कंपनसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जोन ऑफ कंपनसेशन इज अ जोन बिटवीन आइसोपियस्टिक लेवल एंड सरफेस ऑफ अर्थ। आइसोपियस्टिक लेवल और सरफेस ऑफ अर्थ के बीच का जो जोन होता है उसी को हम जोन ऑफ कंपनसेशन कहते हैं। ये 96 से 200 किलोमीटर के बीच में होता है, और इसी को हमने नाम लिथोस्फेयर भी नाम दिया है। और इस जोन के नीचे, जोन ऑफ कंपनसेशन के नीचे हमारा एस्थेनोस्फेयर जो पार्शियली मॉल्टन लेयर है वो लाए करता है।
नाउ इट्स टाइम फॉर द नोट्स, नोट्स का समय।